नमस्कार, न्यूज 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दुमका से बड़ी खबर आ रही है, जेल सुपरिटेंडेंट ने 98,000 की ठगी की गई है। साइबर अपराधियों ने जेल अधीक्षक को चूना लगाया है। सेवानिवृत्त वरीय अधिकारी के नाम पर ठगी की गई है और नगर थाना पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नगर थाना पुलिस को इसके मामले की जब जांच मामले की जानकारी मिली, जिसके बाद वो जांच में जुट गई है। दुमका से बड़ी खबर बता रहे हैं, जेल सुपरिटेंडेंट से 98 साइबर अपराधियों ने जेल अधीक्षक को चूना लगाया है। सेवानिवृत्त वरीय अधिकारी के नाम पर ठगी की है। नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो 98,000 की ठगी की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या है पूरा मामला? जी, मैं बता दीजिए, ये दुमका जेल के जो जेल सुपरिटेंडेंट है उनके जो है नाम से जो है 98,000 रुपए की ठगी हुई है। ये मामला जो 10 तारीख की है, जो है मंगलवार दुमका सेंट्रल जेल के जो सुपरिटेंडेंट सत्यनारायण चौधरी को उसी के शिकार बनाया गया। इनके एक मित्र थे जो कि रांची में है और उन्हीं के नाम से जो है एक व्हाट्सएप किए जेल सुपरिटेंडेंट को कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे 98,000 रुपए की जो है सख्त जरूरत है। तो इन्होंने जो है उनके व्हाट्सएप पर जो है एक नंबर जो है दिए हुए थे और उसी नंबर पर जो है उन्होंने 98,000 रुपया जो है भेज दिया। जब उन्होंने जो है फिर जो है पता किया तो पता चला कि जो है कि वहाँ कोई बीमार है ही नहीं। फिर दोबारा जो है उसी नंबर से जो है इनसे 5,00,000 रुपया मांगा गया। तो इन्होंने जो है शनि रविवार को जो है जाके थाना में कंप्लेन किया और उसके बाद जो है थाने वाले जो है इसकी जो है जांच पड़ताल जो है की जा रही है। जी जी राकेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जेल सुपरिटेंडेंट से 98,000 की ठगी हुई है। साइबर अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधियों ने 98,000 की ठगी की है।